लखनऊ के आयुष गोलीकांड की साजिश में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मोहनलालगंज से बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष कौशल को लेकर एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि पत्नी अंकिता ने यह कहा है कि आयुष दिल्ली में सांसद के आवास पर है। पत्नी ने सांसद पर बेटे को बचाने का आरोप लगाते हुए यह दावा किया है। सुबह उनकी आयुष से बात हुई, यह भी दावा उनकी तरफ से किया गया है। आयुष की पत्नी ने यह भी कहा कि आयुष गायब नहीं हुआ है, उसे फरार करवाया गया। यह भी दावा है कि सांसद कौशल किशोर के सामने आयुष ने बोला था कि उसने खुद पर गोली चलवाई और इसमें दूसरे लोगों को फंसाया। उधर सांसद ने बहू अंकिता के आरोपों को निराधार बताया है। तो कई पेच इस मामले में सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मेरी सुबह आयुष से फोन पर बात हुई, यह भी अंकिता की तरफ से बात कही गई है। आयुष की पत्नी ने बताया कि आयुष आर्थिक तौर पर परेशान था। कारोबारी चंदन गुप्ता से लेन देन को लेकर उसका विवाद भी चल रहा था और इसीलिए उसने चंदन गुप्ता को फंसाने के लिए यह पूरी साजिश रची है। तो आपको हम सुनवाते हैं कि आयुष की पत्नी अंकिता ने क्या आरोप लगाए। आयुष की पत्नी खासतौर से एबीपी न्यूज के कैमरा के सामने है। सबसे पहले हमारे साथ आयुष की पत्नी है, उनसे हम बात करेंगे। पूरी कहानी हमें बताइए शुरू से, कैसे आप आयुष से मिली और उस रात को क्या हुआ था? जी, मैं आयुष से कैफे में मिली थी, मेरे दोस्त के साथ में ही मिली थी। उसके बाद उस रात को, उससे दो दिन पहले ये हुआ था कि आयुष की एक चंदन गुप्ता नाम के लोग से लड़ाई हुई थी। उससे लड़ाई हुई थी तो बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी, क्योंकि उस लड़के ने भी आयुष से भी बहुत बदतमीजियाँ करी थी। तो आयुष काफ़ी गुस्से में था, उसने अपने पापा को फ़ोन किया और ये बोला कि पापा, अगर आप कमिश्नर से मुझे नहीं मिलाएंगे, फिर मेरी बातचीत नहीं कराएंगे, तो मैं खुद को गोली मार लूँगा और या तो उसको जाके मार दूंगा। उसके बाद उसके दो दिन या फिर एक दिन के बाद ही ये चीज़ हुई कि वो रात अपने मेरे भाई के साथ में जाके बाहर गोली चलवाई खुद पे, और फिर इल्ज़ाम मुझसे बोला ये कि तुम अपने सर पे इल्ज़ाम ले लो, वरना अपने भाई पे डाल दो, वरना तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा। ये आज मेरी सुबह बात हुई, उसने मुझे ये बोला कि तुम्हारे किससे बात हुई आज आपकी? मेरी आयुष से बात हुई है, वो दिल्ली में है। अच्छा। जी, अपने पापा के पहुंचा, क्योंकि अस्पताल में तो ट्रीटमेंट चल रहा था, अचानक से कौन ले गया उसको, कहाँ लापता हो गया? मैं बता रही हूँ, आयुष के पापा ही उसको दिल्ली लेकर गए हैं। आज वो सुबह दिल्ली से ट्रेन से वापस आए हैं और जो है वहाँ पे आयुष है। आयुष से एक्चुअली मुझे पता ऐसे चला कि आयुष दिल्ली में है, क्योंकि उसने मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी डिलीट कर दी। और जब मैंने देखा तो लॉगिन करी थी पहले, जब मैंने देखा कहाँ से लॉगिन हुई थी, तो मैंने दिल्ली का एड्रेस उसमें देखा। तो मैंने उसके पापा का जो सरकारी आवास है वहाँ का नंबर मैंने नेट से निकाला, मैंने उस पर कॉल किया और तुरंत ही आयुष ने फ़ोन पिक कर लिया। जी, और उससे मेरी बात हुई, कम से कम दो से ढाई तीन घंटे मेरी बात हुई आयुष से सुबह। दो बातचीत हुई, दो ढाई घंटे लंबा वक्त होता है, क्या बातचीत हुई, क्या डिस्कशन? जी, बात ये हुई कि वो अब उसने बोला कि मेरे पास फैमिली का प्रेशर है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरी फैमिली वालों ने मुझे ऑफर दिया है कि अगर वो मेरे साथ रहेगा तो वो कुछ भी नहीं पाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा और किसी से कोई मतलब नहीं होगा। और अगर वो अपनी फैमिली का साथ देता है, उनके साथ रहेगा, तो उनकी आयुष की दूसरी शादी भी करवाएंगे। ये पूरी बातचीत आपने सुनी, इसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, संजय त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने ये बातचीत की थी। संजय, इस पूरे मामले में बहुत कुछ संदिग्ध नजर आ रहा है। एक तो सांसद, उनके बेटे की जो भूमिका है वो भी सवालों के घेरे में है। दूसरी बात यह है कि एक पत्नी अपने पति के खिलाफ ये सब कुछ क्यों कह रही है, कुछ और भी जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए अखिलेश, आज जब अंकिता से हमारी बात हुई तो उसने साफ तौर पर यह कहा कि आज आदर्श दिल्ली में है, और दिल्ली उसे ऐसे पता चला जब उसकी इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स की आईडी डिलीट हुई। और वो लॉगिन कहाँ से हुई, जब उसने देखा तो मालूम चला दिल्ली से उनको लॉगिन करके डिलीट किया गया है। तो इसने जो मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर हैं उनके सरकारी आवास पर फ़ोन किया, वो फ़ोन बताते हैं आदर्श ने उठाया, उसके बाद लंबी बातचीत हुई और अंकिता को आदर्श ने साफ तौर पर यह कह दिया कि अब तुम्हारा लेना देना मुझसे नहीं है। इसके बाद जाकर अंकिता आज मीडिया के सामने आई है एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर। उसने कई बड़े खुलासे किए, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदर्श जो उसका साला है, उससे खुद पर गोली चलवा कर दूसरों को फंसाने के का जो कुचक्र रचा गया था, जो षड्यंत्र रचा गया था, इसकी जानकारी सांसद कौशल किशोर को आयुष ने पहले ही दी थी। ये अलग बात है कि उन्होंने उसको मना किया कि इस तरह की कोई हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात उसने ये भी बताई कि ट्रीटमेंट के बाद में
जब आयुष अचानक से गायब हो गया और अभी तक फिलहाल उसको पुलिस ढूंढ रही है और वो नहीं मिल रहा है, तो उसका यह भी दावा है अंकिता का कि जो आयुष है वो दिल्ली में छुपकर रह रहा है, और खुद अंकिता का आरोप लगाया साफ तौर पर कि खुद सांसद मोहनलालगंज कौशल किशोर ने उसको वहाँ से भागने में मदद की। क्योंकि देखिए, इस मामले में एक FIR पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है जिसमें आयुष और उसका साला आदर्श दोनों मुलजिम बनाए गए हैं और पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है। और जब इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे खुलासे में हमने जब मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई लेना देना नहीं रहा है आदर्श से, सॉरी आयुष से, जब से उसकी शादी हुई है, क्योंकि परिवार उसकी शादी के खिलाफ था और उसके शादी के बाद एक भी दिन वो लोग यहाँ पर नहीं रहे हैं, अपने अलग घर में रहते थे। तो कुल मिलाकर के ये पूरा मामला एक और नाटकीय घटनाक्रम की तरफ बढ़ता जा रहा, चूंकि पहले शुरू में ये कहा गया था कि आयुष पर गोली बदमाशों ने चलाई है। अगले दिन नाटकीय मोड़ इसमें तब आता है जब पता लगता है कि आयुष ने अपने साले आदर्श से खुद पर गोली चलवाई है कुछ लोगों को फंसाने के लिए। और अब ये एक नई कहानी इसके सामने आई है इस पूरे मामले में कि जी संजय मैं आगे भी आपसे बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन आपने जो बातचीत की है इनसे, क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, जरा एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं। आयुष की पत्नी खासतौर से ABP न्यूज के कैमरा के सामने है। सबसे पहले हमारे साथ आयुष की पत्नी है, उनसे हम बात करेंगे। पूरी कहानी हमें बताइए शुरू से, कैसे आप आयुष से मिली और उस रात को क्या हुआ था? जी, मैं आयुष से कैफ़े में मिली थी, मेरे दोस्त के साथ में ही मिली थी। उसके बाद उस रात को, उससे दो दिन पहले ये हुआ था कि आयुष की एक चंदन गुप्ता नाम के लोग से लड़ाई बीच में। और मेरे साथ कौशल किशोर खुद जुड़ गए, इस वक्त सांसद हैं आप। कौशल जी, आप लोगों का क्या पक्ष है इस पूरे मामले में, जो बातें कह रही हैं आयुष की पत्नी जो आरोप लगा रही हैं? वो गलत आरोप लगा रही है। आज सुबह उसने हमको फोन किया था और वो हमसे ये बोली थी कि मेरे भाई ने जो है आयुष को गोली मारी है, तो मैं ये बयान देना चाहती हूँ आयुष के पक्ष में कि मेरे भाई ने आयुष को गोली मारी है। तो मैंने कहा ये तुम जानो और आयुष जाने, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। अगर ये ऐसा था तो तुम रही हो, थाने में भी रही हो, तुमको बयान देना चाहिए था, उसी समय ये बयान देना चाहिए था। अब आप क्या करना चाहती हो, क्या नहीं करना चाहती हो, बयान देना चाहती हो तो आप बयान दो। और वो जो बयान दे रही है वो झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। ये जो है एक तो वो अंडर एज लड़का है, अभी 27 मार्च 2021 को 20 साल पूरे होंगे, अभी नियमता कानून वो शादी करने योग्य भी नहीं था। और चूंकि इस लड़की ने उसको अपने जाल में फंसाया और फंसा करके जो है उसको उसे शादी की, उसके साथ रही। लड़के ने मुझको बताया था जब आयुष से ये संबंध में मेरी बात हुई, तो मैंने कहा कि भाई तू अपनी मर्जी से अगर शादी करना चाहते हो तो हमारे लोगों से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अंडर एज हो। अभी हमारा एक लड़का शादी का बाकी है, हम उसकी शादी के बगैर हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हो तो मेरे घर पे नहीं रहोगे, अब ना जाकर के अपना चाहे जहाँ रहो, ना तो तुम आओगे ना तुम्हारी बहू आएगी इस मैटर पे हमारे घर पे, और ना हमारे कोई संबंध इस संबंध में रहेंगे। और फिर उसने अपनी मर्जी से इन लोगों ने शादी कर लिया और ये अपना अलग जाकर के रहने लगे। घटना ये है। अब दरअसल में जो जिस दिन की घटना है, उसने रात में 2:03 को हमको आयुष ने फोन किया जी। उसने बताया पापा मुझे गोली मार दी गई। मैंने पूछा कहाँ हो, तो उसने बताया चौकी पे हैं। फिर दरोगा जी से बात हुई, दरोगा जी ने कहा कि मैं ट्रामा सेंटर लेकर के जा रहा हूँ, मैं ट्रामा सेंटर आप पहुँचिए। मैं ट्रामा सेंटर पहुँचा, पुलिस भी थी वहाँ, DCP साहब थे, ACP साहब थे, सब लोग थे, दरोगा जी थे, इंस्पेक्टर साहब थे। उस समय भी इसका भाई कोई सी बात नहीं कर रहा था। और आयुष से मैंने पूछा कि तुमने किसी को मारते हुए देखा, पुलिस ने भी पूछा, आयुष ने किसी का नाम ही नहीं लिया, ना चौकी पर और ना वहां पुलिस में। और फिर मैंने अकेले भी बात की, उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसका भाई जो ये कहता है कि आयुष ने उनको फंसाने के लिए हमसे गोली मरवाई, तो अगर फंसाने के लिए गोली मरवाई थी तो आयुष को बोलना चाहिए था पुलिस के सामने कि फला फला लोगों ने मारा। वो तो कह रहा हमने पहचाने नहीं किसने मारा गोली, वो तो वो बोला, पुलिस के सामने भी बोला, वहां पर भी बोला और चौकी पर भी बोला, चौकी पर भी। तो मैं ये कहना चाह रहा
कि अगर आयुष किसी को फंसाना चाहता था तो उसको तो नाम बताना चाहिए था, अगर वो नाम बताता तो इस दिन नामजद FIR होती। और इसलिए पुलिस से मैंने कहा कि जब ये कंफर्म नहीं है किसने गोली मारा तो जांच का विषय आप जांच कर लीजिए, ठीक है, चीज निकल करके सामने आए लेकिन कार्रवाई हो। लेकिन कौशल किशोर जी, आपकी जो पुत्र वधू हैं, बहू हैं, वो ये भी आरोप लगा रही हैं कि आयुष जो है वो आपके दिल्ली वाले सरकारी आवास पर है, सुबह उनकी बात भी हुई है। अब ये तो मैं नहीं जानता और वहां पर तो मुझे नहीं पता चला कि वहां पर है। अब ये अपना बात कर रही है तो कह रही होंगी, इनकी बात हुई होगी तो जाने, फिलहाल वहां नहीं है। मैंने जब अभी हमसे पता चला तो मैंने वहां पता कराया, वहां नहीं है। अच्छा, आप दिल्ली में नहीं है? नहीं, मैं तो लखनऊ में हूँ। अच्छा, तो आपके सरकारी आवास पर आपके बेटे हैं कि नहीं, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है? आपका स्टाफ आपको जानकारी नहीं दे पा रहा है? वहां नहीं है, वहां नहीं है। बहू आप पर आरोप लगा रही है कि आपने बेटे को छिपाया हुआ है, आप बचा रहे हैं उन्हें। अरे काहे के लिए, कौन सा उसने इतना बड़ा अपराध किया है जो उसको मैं छिपाने का काम करूंगा? वो तो खुद जब इन्हीं के साथ रहता था और इन्हीं के हैंडओवर में था और यही बता करके हॉस्पिटल से वो गया था, वो निश्चित तरीके से आगे सामने आएगा, और सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। वो तो सही है कौशल किशोर जी, लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे भी। ये मामला फिर क्या हो सकता है? ये जो गोली चलाने वाली बात सामने आ रही है, पूरी कहानी जो कही जा रही है, क्या हो सकता है ये? देखिए, उसके गोली जो है, जो लगी है, वो बैक साइड से मारी गई है। हाँ, क्योंकि पीछे साइड में उसका जो है, जो मेरी डॉक्टरों से और लोगों से बात हुई, पीछे की तरफ से घाव कम है और आगे की तरफ से घाव बड़ा है जहां निकली है गोली। तो उनका है कि ये गोली पीछे से मारी गई और इसलिए वो जान ही नहीं पाया कि वो उसका आयुष इसीलिए कहता कि मैं जान ही नहीं पाया कि गोली मुझे इसने मारी। ये तो अब वो बता रहा है, जब वो पुलिस के हैंडओवर में गया उसका साला आदर्श, वो बता रहा है कि हमने गोली मारी और आयुष का नाम लेता कि उनके कहने से। कौशल किशोर जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फोन लाइन पर जुड़े रहिएगा। अंकिता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अंकिता, आप कुछ कहना चाहेंगी? कौशल किशोर जी हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर, वो कह रहे हैं कि यहाँ दिल्ली वाले निवास पर नहीं है आपके पति। जी, सुबह देरी उनसे बात हुई थी और क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ पे स्वयं पापा छोड़ के गए हैं। अच्छा, कौशल किशोर जी खुद छोड़ कर गए हैं, ये कह रही हैं आप? जी 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 हाँ, उन्होंने ये बोला कि पापा ट्रेन से निकल गए। सरासर झूठ बोल रही लड़की, झूठ बोल रही, झूठ बोल रही। खुद मुझसे सुबह रात में मुझको करीब 2:45 बजे फोन किया, मैंने फोन उठाया नहीं, मैंने तो मैं सो रहा था, नहीं उठाया। सुबह इन्होंने फिर मुझे फोन किया एक नंबर से, उसको मैंने फोन उठाया और तब बात हुई तो इन्होंने मुझसे बताया कि मैं आयुष के पक्ष में बयान देना चाहता हूं कि मेरे भाई ने आयुष को गोली मारी है और मैं आयुष को खोना नहीं चाहती, उसे बचाना चाहती हूं, मेरे भाई की गलती है। इन्होंने खुद मुझसे कहा, बयान देना चाहती जी। मैंने कहा था क्योंकि आयुष ने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे पक्ष में बयान दोगे तो मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने बोला आयुष से मैंने बात की। आप और आयुष जानो, ये आप जानो, आयुष जाने। बाद में फिर आयुष ने मुझे शादी किया है, उसमें कोई मेरी सहमति नहीं है। और अपने आपने जो है उस लड़के को जो अंडर एज था, मतलब शादी करने का 21 साल की उम्र होनी चाहिए, कम उम्र है उसकी अभी, 27 मार्च 2021 को 20 साल का पूरा होगा, आपने उससे शादी करके वो अपना जाके रखा है, तो ये जिम्मेदार आप हो उसके, मेरे से उसका कोई मतलब नहीं है मेरे। और आपने ये भी कहा कि मैंने वकील कर लिया, मैं उसकी जमानत के लिए, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। जी, मैंने बिल्कुल बोला था कि वकील से मैं बात करती हूँ, मैं वकील से बात भी करी थी उसके लिए, पर बात यह कि सुबह मेरी आयुष से बात हुई तो आयुष ने बोला कि ये चीज अगर करोगी तो मैं तुम्हारे साथ दूंगा, वरना तुम्हारे पर केस हो जाएगा, ये चीजें होंगी। पहले मैंने बहुत सोचा बात हुई होगी, इससे मेरा मतलब नहीं है इस बात से, ये आप जानो और आयुष जाने। जी हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जो मेरी बातें हैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी है, क्योंकि पूरी बात मैं रिकॉर्ड नहीं करता। रिकॉर्डिंग अपने, आपकी रिकॉर्डिंग है तो आपने बात की होगी तो रिकॉर्डिंग होगी, आपने तो मुझसे बात की होगी, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। जी बिल्कुल, ये बात पापा मेरी कोई गलत बात, आपसे मेरी कोई गलत बात नहीं हुई, बात आयुष से हुई थी। रिकॉर्डिंग आपके पास होगी तो ठीक है, रिकॉर्डिंग है, उसमें मेरा क्या दोष है ये बताइए। बस उसने मुझे ये बोला कि आपने बरगला करके, बहला करके, फुसला करके और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने का काम आपने किया, मैं केवल इतना जानता हूँ बस।
मेरी भी पढ़ाई अच्छी से चल रही थी, मैं क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करूंगी। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ये चीजें अभी हमारी लड़ाई भी नहीं हुई थी, कुछ वो एक इंसान के आपने उसको कहा कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ और उसको अपने माया जाल में फंसा करके उस लड़के को मेरे पास कोई माया जाल नहीं, जिम्मेदार आप हो और पीछे से आपके भाई ने गोली मारी है। पीछे से गोली मारने का मतलब है हत्या के इरादे से गोली मारी गई जी। वो आयु जाने और क्या कहते हैं वो जाने आदर्श ने जो मुझे बताया, जो बयान दिया मुझे वही पता है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता कि वहाँ पे मैं मौके पर रात के 2 बजे अपने कमरे से बाहर निकलने का, तो आपके भाई को और उसकी जिम्मेदारी क्या थी, आपके लोगों को निकलने की जिम्मेदारी क्या है, आप लेकर के गई थी, आप उसको लेकर के रह रही थी, तो आप उसकी जिम्मेदार हो। अगर उसकी मौत और जिंदगी का अगर कुछ भी होगा तो जिम्मेदार तो आप ही होगी। बाहर गए थे, मैंने इनको नहीं भेजा था कि आप जाइए, उन्होंने बोला मुझे 2 मिनट काम है, मैं बाहर से आके आता हूँ, 10 मिनट के लिए बोला था कि आएंगे, जब 2 घंटे हो गए फिर मैंने फोन ऑन करना स्टार्ट किया, जब 2 बजे तब तो मैंने उनको फोन करना स्टार्ट किया, फोन उठा रही, फिर आयुष से मेरी बात हुई, आयुष ने कहा अभी बात करते हैं जरूरी काम कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा है कि 6 मिनट हो काम में, मैं अभी बात करता हूँ, उन्होंने कम से कम 1-2 घंटे ऐसे टाली, काफी देर हो गया, फिर मैंने फोन किया तो भैया ने फोन कहा मुझे नहीं मालूम है, मैं जानता हूँ आयुष ने मुझे 2:03 पे फोन किया, उसने कहा पापा मेरे गोली मार दी गई है, मैंने कहा कहाँ, उसने बताया पुलिस चौकी पे हैं, दरोगा जी से बात हुई, उन्होंने कहा मैं ट्रामा सेंटर ले जा रहा हूँ, ट्रामा सेंटर वो लेके गए, दरोगा जी से बात की, एसीपी साहब डीसीपी साहब सब थे, मैं खुद पहुँचा वहाँ ट्रामा सेंटर, आयुष से मैं पूछा, पुलिस ने भी पूछा कि किसी को देखा, उसने कहा हमने देखा नहीं, किसने गोली मारी, हमने ना किसी को पहचाना, अगर वो किसी को फंसाना चाहता था और खुद गोली मरवाई थी तो आयुष को नाम बताता, लोगों के नाम जद करता, वो किसी के नाम ही नहीं बताया, तो आपका भाई बता रहा है वो फला को फंसाना चाहता था, तो इसमें तो कॉन्स्पिरेसी लग रही है, साजिश लग रही है, और उस साजिश में कहीं ना कहीं आप शामिल नहीं हो, हमको यही बोला कि तुम्हारे पर भी आरोप लगेगा आज शाम को, ये आयुष ने बोला था, मैंने सोच समझ के जो फैसला लिया, मैं ये सब चीजें नहीं करना चाहती थी, मैं उसके साथ रहना चाहती, मैंने प्यार से सारी चीजें बहुत करने की, मैंने मनाया, हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा, कुछ भी किया, तो आयुष को आयुष से आपने शादी की है, रहना चाहती तो उनके साथ रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप मेरी बात इस मामले में कोई ऐतराज नहीं, आप उनके साथ रहो, आप रहो, लेकिन गलत बात मत करो, गलत बयान मत करो, गलत जवाब मत दो, मैंने उन्होंने ही मुझे बोला है जो चीजें वही चीजें मैंने बोली है, जो मेरी मैं इससे पहले मैंने कुछ किया नहीं किया था, जो आज मेरी कम से कम 3 घंटे सुबह बात हुई है, 2 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक आयुष से बात हुई है, उसके बाद ही मैंने कोई कदम उठाया, क्योंकि मैंने बहुत सोचा था पूरी जिंदगी बोला, तो आयुष भी आपके साथ ही शामिल है, फिर आयुष भी आप ही के साथ शामिल है, आप जानो, आयुष जाने, आपका भाई जाने, इस प्रकरण में आप लोग तीनों लोग जानते होंगे असलियत क्या है, मेरा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। अंकिता आप ये क्यों कह रही हैं, आप ये क्यों कह रही हैं कि कौशल किशोर जी ने आपके पति को छिपाया है, वो कह रहे हैं कि उनके दिल्ली वाले आवास पर नहीं है आयुष, उन्होंने अपने स्टाफ से जानकारी जुटाई है, उसी नंबर से मुझे फोन किया, उन्होंने खुद बोला है मैं दिल्ली वाले आवास से हूँ, पापा मुझे छोड़ के गए, वो घर गए ट्रेन में होंगे, मैंने बोला मैं पापा से बात कर लूँ, मैं पापा से रिक्वेस्ट कर लूँ, पापा मान जाएंगे और मैं सब कुछ सही हो जाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है फोन करो, मैंने रात में नहीं पापा को फोन किया, पापा को फोन नहीं उठा, उसके बाद मैंने सुबह जब मैंने वहाँ से पूछा कि अच्छा पहुँचने वाले होंगे, तो बोला कि हाँ शायद पहुँचने वाले होंगे वरना ट्रेन में होंगे, तो मैंने पापा को फोन किया और मैंने पापा से बोला, जो पापा ने बोला वही मैंने बोला कि मैं पापा से रिक्वेस्ट कर रही थी, पापा मुझे आयुष के साथ ही रहना, जो कहेगा मैं सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी की बात थी, पर जब इसके बाद आयुष के हाव भाव बदले, मैंने फिर से दोबारा बात किया, उसके बाद आयुष अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ, अभी एकदम मैं घर से निकली बाहर, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने फोन किया उस नंबर पे दोबारा, तो वो नंबर पे बोला जा रहा है कि मुझे नहीं पता कौन है ये, कौन आयुष, पापा का भी नाम बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कौन है वो, ये गलत नंबर है, लेकिन मैंने गूगल से ही मुझे ये सारी चीजें कहाँ से पता चली थी, रात में आयुष ने मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी लॉग इन करी थी, ये प्रूफ मैं आपको दे सकती हूँ कहाँ से लॉग इन हुई थी, क्योंकि जहाँ पे वो लोकेशन आता है ना आईपी एड्रेस आता है। जी जी जी, चलिए अभी कौशल किशोर जी ने फोन काट दिया है, वो हमारे साथ नहीं है, वरना मैं आपने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब भी उनसे लेता। पूरे मामले में अब पुलिस की तफ्तीश जारी है, तहकीकात के बाद ही पता चल पाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और पूरा मामला है क्या।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।